आपकी तरह मुझे भी 22 जनवरी का इंतजार है। और स्वाभाविक रूप से हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का, अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी इसमें और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अवधपुरी में और प्रभु का पुनरागमन हो रहा है अपने भव्य मंदिर में। यद्यपि प्रभु तो सर्वव्यापी है, लेकिन भव्य मंदिर में उनका आगमन अवधपुरी को उस रूप में हमें प्रस्तुत करना है। इसीलिए मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में इस बात को कहा था कि अवधपुरी सुही सोहाई ए भांति प्रभु मिलन आए जनु राती। स्वाभाविक रूप से अवधपुरी उसी मनसा के साथ, जो केवल शब्दों में नहीं व्यवहारिक धरातल पर भी वह दिखाई दे, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मनसा और उनकी भावनाओं के अनुरूप उसको जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य पिछले 2-3 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जिससे स्वरूप में हम लोगों ने वहां पर करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, भारत का हितेशी है, उन सबको इस तिथि का स्मरण है और वह इस बात को जानना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बेसब्री के साथ इन बातों का इंतजार कर रहा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भय सकल शोभा के खानी। यानी प्रभु का आगमन से ही अयोध्या शोभायमान हो जाए, उस प्रकार से सज जाए, और इसी भाव के साथ हम लोगों ने अयोध्यापुरी के लिए कार्य करना प्रारंभ किया।